हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में, जहां पर आप सभी को मिलती है कॉमर्स रिलेटेड ए टू जेड वीडियोस। तो अभी कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे आप सभी देख पाएं लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा ऑडिटिंग सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंटरनल ऑडिट। व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? लेट्स गो एंड वॉच दिस वीडियो। कुछ संस्थाओं का संगठन इस प्रकार होता है कि वे अन्य कर्मचारियों की भांति अपने यहाँ अंकेक्षकों को भी नियुक्त करती हैं। इसका कारण प्राय यह होता है कि ऐसी संस्थाएं हिसाब किताब की गड़बड़ी तथा छल कपट को रोकने के लिए अंकेक्षक कर्मचारियों की आवश्यकता समझती है। ये अंकेक्षक स्थायी होते हैं और अन्य कर्मचारियों की भांति इनको वेतन मिलता है। अब समझने की बात है, ये वो ऑडिटर्स होते हैं जो परमानेंटली किसी कंपनी के अंदर में रखे जाते हैं और इनको सैलरीड बेसिस पर रखा जाता है। इंटरनल ऑडिट मामूली योग्यता वाले वेतनभोगी आंतरिक अंकेक्षक हो व्यक्ति जो उस संस्था के हिसाब किताब से परिचित होते हैं के द्वारा किया जाता है। मतलब ये ऑडिट उनके द्वारा किया जाता है जो उस कंपनी की हिसाब किताब की जानकारियां रखते हैं। ये अपनी संस्था का ही अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकते हैं और ना ही ये कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल और केवल खातों की सत्यता की जांच करते हैं। संक्षेप में, एक संस्था के हिसाब किताब की समय समय पर उसके वेतन प्राप्त कर्मचारियों द्वारा की गई जाँच इन आंतरिक अंकेक्षक का क्षेत्र कुछ भिन्न होता है। इसका प्रबंधकीय कार्यों से अधिक संबंध होता है, इतना हिसाब किताब के कार्यों से नहीं होता है। बस ये क्यों होती है? ये ऑडिटिंग होती है मैनेजमेंट के हिसाब से, जिससे काम आसानी से चल सकें और छल कपट का पता लगा कर हम कर्मचारियों की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। जहां एक सामान्य अंकेक्षक का संबंध किसी व्यापार के लेन देनों के सही, शुद्ध एवं वैधानिक होने से होगा, वहीं आंतरिक अंकेक्षक इन बातों के अतिरिक्त यह भी देखेगा कि संस्था में कुशलता एवं मितव्ययता से कार्य हो रहा है या नहीं और वहाँ पर कितनी जाँच की जरूरत है। इस प्रकार इंटरनल ऑडिट एक प्रहरी का कार्य करता है, प्रहरी मतलब वॉचमैन का कार्य करता है, और संस्था में उसकी उपस्थिति उसके कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालती है, मोरल सपोर्ट करती है। स्वाभाविक है कि संस्था के कर्मचारी सावधानी तथा सतर्कता से यह कार्य करते हैं। संस्था का प्रहरी होने के नाते वह यह देख सकता है कि किस सीमा तक संस्था के नियमों का पालन या उल्लंघन किया जा रहा है। यही नहीं, वह संस्था के अधिकारियों को नियमों के सुधार करने के संबंध में भी सुझाव देता रहता है।